हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि कंप्यूटर के अंदर ISO फाइल कैसे बनाया जाता है। सो दोस्तों, यहां पर मैं आपको सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि ISO फाइल क्या होती है और इमेज फाइल क्या होती है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं, आप देख सकते हो दोस्तों, ये तो हमारी हो गई ISO फाइल। आप देख सकते हो विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, ये सब हमारी ISO फाइल होती है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको विंडोज 10 64-bit इमेज फाइल, यहां पर दोस्तों हमारी इमेज फाइल है दोस्तों, इस इमेज फाइल से दोस्तों हम बनाएंगे ISO फाइल। तो दोस्तों अब आपको ये इमेज फाइल कहां से मिलेगी? दोस्तों अगर आपके पास में विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 की कोई कैसेट है दोस्तों, CD है, DVD है दोस्तों, तो आप उसको क्या कीजिए, अपनी कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में लगा लीजिए। और लैपटॉप में लगाने के बाद में जब आप उस कैसेट को ओपन करोगे, उस CD को ओपन करोगे, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको उसके अंदर कुछ इस प्रकार से आपको विंडो 7 की या फिर विंडो 10 या फिर विंडो 8 की कुछ इस प्रकार से इमेज फाइल दिखाई देगी। तो आप उनको क्या कीजिए, सबसे पहले उन सभी को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक कीजिए माउस का, कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में आप उसको अपने कहीं पर भी दोस्तों उसको आप अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए किसी फोल्डर के अंदर। जैसा दोस्तों मैंने यहाँ पर किसी फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है, यहाँ पर मैंने नाम भी चेंज किया हुआ है, विंडो 10 64-bit इमेज फाइल। कुछ इस प्रकार से आप अपना एक फोल्डर बना लीजिए और फोल्डर बनाने के बाद दोस्तों आप उसके अंदर कुछ इस प्रकार से राइट क्लिक करके और पेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो इमेज फाइल है वो कैसेट के अंदर से बाहर निकल कर आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब दोस्तों इतना काम आपने कर लिया है, अब दोस्तों इतना काम करने के बाद दोस्तों अब आपको बनानी है ISO फाइल। अब ISO फाइल कैसे बनाएंगे दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर हम चलेंगे वापस और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है दोस्तों इमेज सेटअप। दोस्तों सेटअप इमेज दोस्तों आप देख सकते हो ये वाला सॉफ्टवेयर दोस्तों, सेटअप इमेज बर्न 2.5.8.0। तो दोस्तों हमें इसी को इंस्टॉल करना है अपने PC के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद में यस करेंगे और उसके बाद में दोस्तों वापस से हम यहाँ पर कुछ एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, फिर वो उसके बाद में आई एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद में नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, और उसके बाद में ये यहाँ पर आपको यस या नो पूछेगा, आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद में ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सॉफ्टवेयर दोस्तों वो यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं इमेज बर्न। तो दोस्तों अब हमें इस इमेज बर्न को ओपन करना है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ डबल, और उसके बाद में ये सॉफ्टवेयर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर ओपन हो रहा है, और यहाँ पर दोस्तों नीचे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें इस सॉफ्टवेयर में क्या करना है, कैसे हम ISO फाइल बनाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों सीखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम डिस्क इमेज फाइल। तो दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप कोई सा भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जिस तरह की आपकी फ़ाइल है उसी तरह का आपको ऑप्शन यहाँ पर यूज करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें हमारे पास में एक इमेज फाइल का एक फोल्डर है, तो दोस्तों हमें इस पर ही क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक यहाँ पर क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम फाइल फोल्डर, तो दोस्तों हमारे पास में फोल्डर है दोस्तों इमेज फाइल का, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन है दोस्तों ब्राउज फॉर ए फोल्डर, इस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर वहाँ पर चले जाना है दोस्तों, जहाँ पर आपने अपनी जो इमेज फाइल को रखा होगा दोस्तों, वहाँ से CD में से कॉपी करके जहाँ पर भी आपने सेव किया होगा वहाँ पर आपको चलना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑल सॉफ्टवेयर पर चलते हैं और यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं जहाँ पर हमने उस इमेज फाइल को रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे भी दोस्तों मैंने आपको पहले ही लोकेशन दिखा दी थी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो यही फाइल थी दोस्तों जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, तो विंडोज 10 64-bit इमेज फाइल, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो हमने फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट फोल्डर इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपका जो फोल्डर है वो यहाँ पर आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों, आप देख सकते हो इस वाले ऑप्शन पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पर आप इस ISO फाइल को सेव करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूँ, और डेस्कटॉप मैंने लोकेशन चूज कर ली है क्योंकि दोस्तों ये ISO फाइल अब हमारी डेस्कटॉप पर ही सेव होगी। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप चूज कर लिया है, उसके बाद में हम सेव पे
क्लिक कर देंगे। बस सेव पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपसे कुछ इस तरह का इंटरफेस पूछा जाएगा, यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यस पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो ISO फाइल है वो बनना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये ऊपर आप देख सकते हो कंप्लीट वाला यहाँ पर जो ग्रीन वाला यहाँ पर ये है, तो ये यहाँ तक होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, तो कुछ ही देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ऑपरेशन सक्सेसफुल कंप्लीट, तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते हैं दोस्तों, अब आपका ये सॉफ्टवेयर का काम हो गया है। अब आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी ISO फाइल बनी है वो कैसी बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो डेस्कटॉप पर हमारी जो ये फाइल है ISO, यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गई है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर एक इमेज फाइल को ISO फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों आप इस ISO फाइल से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो और आप अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोग सीख गए होंगे कि किसी भी इमेज फाइल को हम ISO फाइल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरह की कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।